Hello students, I am Dr. Manisha Joshi from Priyadarshini College of Engineering. And today we'll be discussing about your paper that you are going to have tomorrow for applied chemistry. Now you all know that ये subject में आपके total 5 units है, right? हर unit को 14 marks का weightage है. जो इसमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किसको ज़्यादा importance देना है, वो मैं आज आपको बताती हूँ. सबसे पहला आपका यूनिट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, जिसमें देर आर न्यूमेरिकल्स ऑन स्लेटर्स रूल, राइट? तो ये न्यूमेरिकल्स आप पक्का करो, क्योंकि इस पे ये 3 या 4 मार्क के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं. इसके अलावा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप अच्छे से पढ़ के रखना. एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो है, जिसमें आपको अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो भी आप अच्छे से करके रखना. एनर्जी लेवल डायग्राम्स में ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, ये जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उनके करना, और हेटेरो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में HF है, NO है, इनके करना. और उसको याद रखने के लिए, वाइल ड्राइंग द डायग्राम बहुत बार हमने देखा कि आप गलतियां कर देते हो, उसको याद रखने के लिए थोड़ा उसको अच्छे से सोच के समझ के उसको याद करना. जैसे फ्लोरीन मॉलिक्यूल तक जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, फ्लोरीन तक के, वहां पे जो मतलब सेकेंड लेवल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी लेवल का, वो 1-2-2-1 का है. इस तरह से उसको याद रखो तो आपको आसानी जाएगी ड्रॉ करते समय. ऑक्सीजन का वगैरह भी 1-2-2-1 है. नाइट्रोजन तक आपका जो रहता है, नाइट्रोजन तक आपका रहता है 2-2-1-1 का, सॉरी 2-1-2-1 का है. तो वो आप अच्छे से याद रखना और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, प्रैक्टिस करना, उसकी उसको ड्रॉ करके देखना, क्योंकि वो बहुत छोटा टॉपिक है जिसमें आपको अच्छे से फुल मार्क्स मिल सकते हैं. तो उसको आप याद रखना कि वो आपको करना ही, उसको छोड़ना नहीं है. डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में HF भी है, इम्पॉर्टेंट है, NO भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस करके उसको भी करना है. उसके बाद उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वाला है, टेट्राहेड्रल में रहता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसा है उसको याद रखना है. डी ऑर्बिटल का किस तरह से एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग होता है वो याद रखना. जैसे टेट्राहेड्रल में ईजी ऑर्बिटल्स नीचे रहते हैं, टी टू ऑर्बिटल्स ऊपर रहते हैं, वो याद रखना. नीचे 2 ऑर्बिटल से, ऊपर 3 ऑर्बिटल से. ऑक्टाहेड्रल में नीचे 3 ऑर्बिटल्स, T2G वाले नीचे रहते हैं, ईजी वाले ऊपर रहते हैं 2 ऑर्बिटल्स, उसको अच्छे से याद रखना, प्रैक्टिस करना, ड्रॉ करके देखना और वो उसको अच्छे से करना. तो ये हो गया आपका पहला यूनिट जो 14 मार्क्स का है, जिसमें 3 से 4 मार्क के न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे आपको, वो अच्छे से याद रखना, उसके फॉर्मूलेस अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद रखना. सेकेंड यूनिट है आपका थर्मोडायनामिक्स एंड करोजन वाला. थर्मोडायनामिक्स में भी जो डेफिनेशंस पार्ट रहता है, इंटरनल एनर्जी है, एंथाल्पी है, उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके फॉर्मूलेज याद रखना, सिर्फ आपको वैल्यूज उसमें डालनी है और आपको आंसर लाना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करना. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट्स अच्छे से याद रखना, उसके क्या अप्लीकेशन है वो करना. फिर आते हैं करोजन पे. करोजन में जो मैकेनिज्म्स है ड्राई और वेट करोजन के, वो मैकेनिज्म्स अच्छे से करना, क्योंकि उस पे आपको क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं. मोस्टली वेट करोजन जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन जो है, उस पे आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जो 2 तरह से होता है. एक तो बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन है, अगर एसिडिक एनवायरमेंट में है तो, और दूसरा जो है वो अगर न्यूट्रल एनवायरमेंट में है तो बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन. वो दोनों मैकेनिज्म्स आप अच्छे से रेडी करना. फिर पिलिंग बेडवर्थ रूल है, उसका स्टेटमेंट याद रखना, उसमें प्रोटेक्टिव नॉन प्रोटेक्टिव लेयर को कैसे उन्होंने डिफाइन किया है वो याद रखना, और उसमें जो न्यूमेरिकल्स है विच विल बी आस्क्ड फॉर आइदर 3 or 4 मार्क्स, उसको अच्छे से करना. न्यूमेरिकल्स हमेशा करना बच्चों, क्योंकि उस पर आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपका न्यूमेरिकल सही है तो ये न्यूमेरिकल आप जरूर अटेम्प्ट करना. उसके बाद टाइप्स ऑफ करोजन है, जिसमें डिफरेंशियल एरेशन करोजन इंपॉर्टेंट है, पिटिंग करोजन इंपॉर्टेंट है. सिंपल है, उसका मैकेनिज्म सिंपल है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आ सकता है. उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ करोजन है, जिसमें डिजाइन एंड मटेरियल सिलेक्शन पे ज्यादा फोकस रहता है उनका. उसमें आप अच्छे से पढ़ना उसको, जो डिजाइन में अलग अलग डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए हैं वो डायग्राम्स, जितने मैक्सिमम डायग्राम्स आप वो ड्रॉ करोगे उतने आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. और हमेशा याद रखना, वेन एवर यू ड्रॉ द डायग्राम यू शुड ड्रॉ इट विथ पेंसिल, तो पेंसिल से डायग्राम्स ड्रॉ करना. उसके अलावा सैक्रिफिशियल एनोड मेथड जो है, सैक्रिफिशियल कैथोडिक प्रोटेक्शन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से करना. ये हो गया सेकेंड यूनिट के बारे में. आपका थर्ड यूनिट है एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स.
इसमें आपके जो प्रिंसिपल्स है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के, उसको याद रखना, सिलेक्शन रूल्स अच्छे से पढ़ना, उसमें कौन से सिलेक्शन रूल्स है उसको अच्छे से याद करना। बियर लैम्बर्ट्स लॉ इज इम्पॉर्टेंट, उसमें न्यूमरिकल्स है, वो न्यूमरिकल्स बहुत आसान है आपको एब्जॉर्प्शन निकाल, आइदर यू हैव टू आई मीन फाइंड आउट द एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस, वो न्यूमरिकल्स बहुत अच्छा है। लॉग कैसे लेना है, कैलकुलेटर में एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, वो अच्छे से करके रखो, वो समझ लो। आपको नहीं पता होगा तो किसी से पूछो एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अगर उसमें आपको एंटी लॉग लेने की जरूरत पड़ी तो आपको वो करते बनना चाहिए। उसके बाद वुडवर्ड फिशर रूल के न्यूमरिकल्स से, वो भी बहुत कॉन्जुगेटेड डाइंस वाले, वो बहुत आसान है। उसमें दो तीन ही पॉइंट्स है जो आपको रिमेम्बर करने हैं, पर एक बार वंस यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर डाइंस का, जो स्ट्रक्चर अगर आप समझ में आ गए तो आप ये आसानी से कर सकते हो और आपको इस पे फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स भी 3 या 4 मार्क्स के आपको पूछ सकते हैं। बियर लैम्बर्ट लॉ के न्यूमेरिकल 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, 2 या 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। तो इस पे थर्ड यूनिट पे आपके ऑलमोस्ट 5 या 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं, उसको आप अच्छे से करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अगर न्यूमेरिकल सही है तो यू कैन स्कोर फुल मार्क्स ऑन दैट। उसके बाद NMR है या फॉस्फोरसेंस फ्लोरेसेंस है, वो भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है वो, उसको आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके एप्लीकेशंस वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं वो आप पढ़ के रखना, बहुत आसान है, वो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट आपका 4th यूनिट जो है वो है ग्रीन केमिस्ट्री, छोटा यूनिट है, बहुत कम टॉपिक्स है उसमें और बहुत कम ऐसे है जो आपको पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो वो जो है ये यूनिट आपको करना ही करना है, जिसमें 14 मार्क्स का यूनिट है, तो उस पर आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, वो 12 प्रिंसिपल्स कौन से है वो याद करके रखो, उसमें से कोई भी 2 प्रिंसिपल्स जो आपके पसंद के हो, जो आपको आसान लगे, उसको डिटेल में पढ़ के रखना, क्योंकि वो आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एटम इकोनॉमी पे आपके वहाँ पे न्यूमरिकल्स है, फॉर्मूला याद रखना, रिएक्शन याद रखना, उस पर आपको एटॉमिक नंबर या मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट दिया रहता है, उसको आपको सिर्फ ऐड करके फाइंड आउट करना है और आपको एटम इकोनॉमी परसेंटेज में फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला बहुत आसान है, वो सिर्फ आपको अच्छे से समझ लेना है और याद रखना है। रिएक्शंस जो है वो अच्छे से देख के, वो रिएक्शन आपको दी हुई रहेगी और उसमें आपको उसकी एटम इकोनॉमी फाइंड आउट करनी है। तो ये भी बहुत आसान है, 3 या 4 मार्क के न्यूमेरिकल आपको पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। न्यूमेरिकल करना 2 चीजों के लिए फायदेमंद होता है, एक तो समय आपका बहुत बचता है उसमें, यू कैन यूज दैट टाइम फॉर योर थियोरेटिकल पार्ट, और दूसरा जो है उसमें आपको अगर न्यूमेरिकल सही है तो फुल मार्क्स मिल सकते हैं, जो अदरवाइज थियोरी पे मिलाना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद कार्बन क्रेडिट्स पे एक शॉर्ट नोट आपको पूछ सकते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पे पूछ सकते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, उस पर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। उसमें फेज डायग्राम है, उसका क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, वो याद रखना, फेज डायग्राम ड्रॉ करना विद पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोपॉलीमर्स का एक छोटा सा टॉपिक है, उसको करना है। तो ये ग्रीन केमिस्ट्री वाला जो यूनिट है आपका, बहुत छोटा है, बहुत फास्ट आप कवर कर सकते हो। उसके बाद लास्ट यूनिट है आपका, वो है वाटर टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको जियोलाइट प्रोसेस, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस याद करना है, उसका डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करना है, उसके रिएक्शंस प्रॉपर लिखना है, अच्छे से समझ लो क्या रिएक्शंस है, उसको प्रॉपरली रिएक्शंस को लिखना है, हार्डनेस क्या है, हार्डनेस में मतलब जो टाइप्स ऑफ हार्डनेस है, टेम्प्रेरी हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस क्या है, कौन से केमिकल्स, कौन से कंपाउंड्स है जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वो आप याद करके रखो। जियोलाइट प्रोसेस पे न्यूमेरिकल से एक छोटा एक फॉर्मूला है और आपको न्यूमेरिकल दिया रहता है, वो फॉर्मूले में वैल्यूज डालने और आपको आंसर लाना है, तो वो भी बहुत आसान है, वो भी आप अच्छे से कर सकते हो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि 3 से 4 मार्क का ये न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद बॉयलर ट्रबल से, जिसमें स्केल्स एंड स्लज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, इजी टू अंडरस्टैंड है, उसको आप अच्छे से करके रखो। फिर इसमें एक इलेक्ट्रोडायलिसिस वाला पार्ट है, डिसलाइनेशन में जो आता है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, ये दोनों प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको करके रखना है, डायग्राम जो है वो भी ड्रॉ करनी है विथ पेंसिल।
उसके प्रिंसिपल समझ लो, प्रॉपर लिखना, और उसके जो एडवांटेजेस है उसको लिखना नहीं भूलना। उसके बाद लास्ट टॉपिक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, उसमें बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है पर वो आप अच्छे से कर सकते हो, उस पर आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये हो गए सारे पांच टॉपिक्स के बारे में। अब जो सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है उसमें आप ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हो। व्हाट यू शुड डू इज सबसे पहले यू आई मीन कंप्लीट योर स्टडीज फॉर ग्रीन केमिस्ट्री। सबसे पहले ग्रीन केमिस्ट्री वाला यूनिट जो है वो आप पूरा कर लो, क्योंकि छोटा यूनिट है, आपका बहुत जल्दी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है। सेकेंड यूनिट जो आप करोगे वो आप करो वाटर टेक्नोलॉजी वाला, क्योंकि वो भी आसान यूनिट है और उसमें न्यूमेरिकल भी है अच्छे दिए हुए, उसमें डायग्राम्स वगैरह वो होने की वजह से, रिएक्शंस होने की वजह से उस पर भी स्कोरिंग होता है, आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। तीसरा यूनिट जो है वो आप पहला वाला जो यूनिट है वो तीसरा करो, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला है, जिसमें न्यूमेरिकल है प्लस वो एनर्जी लेवल डायग्राम्स है, जिसपे आपको मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप डायग्राम वो सही निकालते हो, सारे एनर्जी लेवल्स आप सही निकालते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सही करते हो, तो उसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद आप थर्मोडायनेमिक्स वाला यूनिट करो, करोजन वाला पार्ट करो, और लास्ट में आप ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला यूनिट है वो आप सबसे आखिरी में करो, उसके न्यूमेरिकल आसान है, उसमें भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो नाउ यू कैन सी हर एक यूनिट में 3 या 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल है, तो आप वो न्यूमेरिकल अच्छे से करोगे तो आपको स्कोर करने में बहुत आसान रहेगा, आपको पास होने में बहुत आसान रहेगा। आपको मिनिमम 20 मार्क्स, मिनिमम तो 15 मार्क्स है पर मिनिमम आप समझ लो आपको 20 मार्क्स मिलवाने ही मिलवाने हैं, 20-25 मार्क्स आपको लेनी ही है थ्योरी में, तो उसके लिए आपको ये न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, अभी भी समय है, यू डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी वेल एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, डू वेल इन योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।